और इस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो आज हड़ताल पर हैं, एम्स के बाहर इन डॉक्टर्स ने जो सड़क है उसे ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक रुका है और सड़क पर आकर ये डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जानते हैं दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स, और यहाँ पर जो पूरा का पूरा इलाका है बेहद व्यस्त ये इलाका ट्रैफिक के लिहाज से भी, और यहाँ सड़क पर अब डॉक्टर्स निकल आए हैं। ये रेजिडेंट डॉक्टर्स को आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले तक हमारी सहयोगी मधिया बता रही थी किस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर्स भीतर कैंपस में ही प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब ये रेजिडेंट डॉक्टर्स एम्स कैंपस से बाहर निकल आए हैं और सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी मधिया इस वक्त यहीं पर मौके पर मौजूद है। मधिया, अभी भी क्या सड़क पर उतरे हुए हैं ये डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रैफिक की क्या स्थिति है, दिखाइए जरा तस्वीरें। बिल्कुल, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स एम्स के कैंपस के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, हड़ताल का कॉल उन्होंने लिया था, अब वो प्रोटेस्ट, वो धरना, वो हड़ताल सड़क पर आ गई है। एम्स के गेट नंबर 1 से रेसिडेंट डॉक्टर्स अभी कुछ देर पहले बाहर निकले हैं, वहां पर मीडिया से बातचीत की और उसके बाद ये सभी डॉक्टर्स जो है उन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया। ये मार्च जो है वो शुरू हो रहा है एम्स के गेट नंबर 1 से लेकर और फिर ये मार्च जो है वो शुरू हो गया आगे की तरफ। अब मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत अहम सड़क है और इसका ट्रैफिक फिलहाल पूरी तरह से रोक दिया है। सबसे आगे इस प्रदर्शन में महिला डॉक्टर दिखाई दे रही है और लगातार इस इंसिडेंट को लेकर आवाज उठा रही है। आप लोग आप अस्पताल से सड़क पर आ गए धरना करते हुए, हड़ताल करते हुए, क्या कहेंगे, क्यों हमारे फेलो डॉक्टर में एक डॉक्टर का, फीमेल डॉक्टर, जब वो नाइट ड्यूटी पे थी, शी वॉज ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड। वी ऑल डॉक्टर्स आर स्टैंडिंग फॉर हर एंड वी वांट द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द डॉक्टर्स टू बी इंस्टेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वी विल नॉट डॉक्टर्स स्ट्राइक अंटिल देन। डॉक्टर्स का आक्रोश जो है उनको कैंपस के अंदर से कैंपस के बाहर ले आया, लगातार ये जारी है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की आप लोग मांग कर रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, कितना जरूरी है आप लोगों की? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नेशनल प्रॉपर्टी है, हम लोग देश के पैसे से डॉक्टर बनते हैं, हम उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। अगर हमारा रेप होगा ऑन ड्यूटी, हमारा मर्डर होगा, ये नेशनल इशू है। हमें डॉक्टर्स के साथ साथ मेरी अपील है, हम सबकी अपील है, कॉमन पीपल, जनता को हमें इसमें ज्वाइन, ये नेशनल इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, नेशनल इशू। कुछ दिक्कत आ रही है तकनीकी तौर पर, मैं दोबारा आपको मधिया के पास लेकर चलूंगी, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स की बात आप सुन रहे थे और उनकी तरफ से यही मांग की जा रही है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आया जाए डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए। बताइए क्या गलती थी कोलकाता में उस महिला डॉक्टर की जो अपनी ड्यूटी कर रही थी और इस दौरान रेप और इतनी निर्ममता से उसकी हत्या कर दी जाती है, और इस मामले में जिस तरीके के सवालों में घिरी हुई इस वक्त पश्चिम बंगाल सरकार नजर आ रही है, उसके बाद राजनीति भी तेज हो गई है और जो मांग यहाँ पर हड़ताली डॉक्टर्स कर रहे हैं उसी मांग को और बुलंदी से बीजेपी की तरफ से भी उठाया गया है, ये कहते हुए कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन वहां पर आशंका इस बात की जताई जा रही है कि महिला डॉक्टर के साथ किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि बाकायदा गैंगरेप कर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, और ऐसे में इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लीपापोती की जा रही है, इसीलिए सीबीआई जांच जरूरी हो जाती है। और साथ ही साथ देश भर के डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसकी लंबे वक्त से रेजिडेंट डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं, वो लाया जाए। एक बार फिर से डॉक्टर्स इस मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और चंडीगढ़ में भी जो पीजीआई है वहां पर भी डॉक्टर्स धरने पर बैठे हुए नारेबाजी कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए, ये वो नारे हैं जो डॉक्टर्स की तरफ से लगाए जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको तस्वीरें। कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर के रेप और हत्या के खिलाफ पूरे देश भर में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, स्ट्राइक है, और चंडीगढ़ पीजीआई में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो सीबीआई जांच की मांग करते हुए यहां पे प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं, जस्टिस फॉर द विक्टिम एंड हर फैमिली। यहां पे तमाम डॉक्टर्स जो हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चंडीगढ़ में धरना दिया है, अब यहाँ पर प्रोटेस्ट मार्च निकालते हुए ये आगे जा रहे हैं। तो कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है, ट्रेनिंग डॉक्टर जो है, जिसकी रेप और हत्या के बाद पूरे देश भर में डॉक्टर जो हैं वो गुस्सा हैं, तो डॉक्टर से बात भी कर लेते हैं। जी मैम, नाम क्या है आपका? मैम, आप लोग मार्च कर रहे हैं क्या, मांग क्या कर रहे हैं इसमें? वी वांट जस्टिस।
ओनली वन वर्ड, वी वांट जस्टिस। डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं पीजीआई के, जो धरना दे रहे हैं यहाँ पे, मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं, जो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का जो रेप और हत्या हुई है उसके खिलाफ। तो फिलहाल तमाम डॉक्टर्स जो हैं चंडीगढ़ में पीजीआई जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो है प्रोटेस्ट मार्च करते हुए निकल रहे हैं, हाथ में बैनर लेके कि वी वांट जस्टिस, उन्हें न्याय चाहिए, न्याय की मांग करते हुए ये लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। और तमाम जो ओपीडी सर्विसेज हैं वो बंद कर रखी गई हैं। यहाँ पे तमाम डॉक्टर्स भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, नाम क्या है आपका? डॉक्टर प्रणीत रेड्डी। ओके, तो आज आप प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं कोलकाता के, उसमें क्या मांगे क्या है मुख्य रूप से? सर, अभी आपको पता है जो कलकत्ता में हुआ है फीमेल रेजिडेंट का रेप और मर्डर, विच इज हाईली कंडेमनेबल, एंड इट हैज बीन 3 days, नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट द ओरिजिनल कल्प्रिट्स। सो वी आर प्रोबिंग, वी आर आस्किंग फॉर अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इंटरवेंशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेंशन इनटू दिस मैटर, एंड द ओरिजिनल कल्प्रिट्स ऑट बी थ्रैश्ड। ये पीजीआई में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और ओपीडी सर्विसेज जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, और ओटी जो हैं वो बंद हैं, पर इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो बाकायदा चल रही हैं। तो डॉक्टर्स की तरफ से ये धरना प्रदर्शन जो है पीजीआई में दिया जा रहा है। डॉक्टर्स की सुरक्षा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है आज की डेट में बन गया है। तो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जो है पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है कर रहे हैं, और पीजीआई जो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है नॉर्दर्न इंडिया का, चंडीगढ़ का पीजीआई, वहां पे भी तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो चल रही हैं, और ओपीडी जो है वो बंद कर दी गई हैं डॉक्टर्स की तरफ से। चंडीगढ़ पीजीआई से आप सेशन की रिपोर्ट देख रहे थे। देखिए, अपना काम, अपनी पढ़ाई सब कुछ छोड़कर डॉक्टर्स जो हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स इस वक्त सड़क पर उतरे हुए हैं, मांग कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, इंसाफ की मांग कर रहे हैं उस डॉक्टर बिटिया के लिए जिसकी रेप के बाद निर्ममता से हत्या कर दी गई कोलकाता में। कोलकाता में महिला डॉक्टर से जो दरिंदगी हुई है उसी को लेकर देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स में ये गुस्सा बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं। किस तरीके से ये प्रदर्शन दिल्ली से लेकर लखनऊ, चंडीगढ़ और कोलकाता में तो जोरदार प्रदर्शन हो ही रहा है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। डॉक्टर्स में नाराजगी इस बात को लेकर है कि वारदात की जाँच करने की बजाय सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं लीपापोती कर मामले को ठंडे बस्ते में डालने का है। गिरफ्तारी जरूर हुई है एक शख्स की, लेकिन जो असली दोषी है वो कब गिरफ्त आएंगे, ये वो बड़ा सवाल है जो इन डॉक्टर्स की तरफ से पूछा जा रहा है। भरोसा नहीं कर पा रही है कोलकाता पुलिस जिस तरीके से इस मामले में जांच कर रही है, और इसीलिए इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग हड़ताली डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स देश भर में आज हड़ताल पर। तो कोलकाता की यह खबर जिसके बाद देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स में उबाल है, हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है।